हेलो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, वो है विगल इफेक्ट या शेक इफेक्ट ऑफ द कैमरा इन माया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम इस तरह के इफेक्ट को किस तरह से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ताकि जो भी विगल इफेक्ट है वो आप यहाँ पर प्रॉपरली देख सके। सो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर हमारे व्यू पोर्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक व्यू है। मैं सपोज करता हूँ कि यही मेरा वो व्यू है या यही मेरा वो कैमरा एंगल है जिससे मुझे एक विगल इफेक्ट शो करना है। नाउ क्योंकि मैं इसी को अपना कैमरा ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू या जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे क्लिक कर देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव वन नाम का एक कैमरा यहां क्रिएट हो गया है। अब आप चाहें तो इसका कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैं कैमरा दे देता हूं अभी के लिए। सो ये जो हमारा कैमरा है, अगर आप यहां पर देखो तो यही कैमरा अभी सिलेक्टेड है हमारे इस व्यू पोर्ट में। नाउ अगर अभी मैं यहाँ पर एनिमेशन को प्ले करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कैमरा में मूवमेंट नहीं है। नाउ अब हम यहाँ कैमरा शेप में आते हैं। ध्यान देने वाली बात दोस्तों है कि हमने कैमरा शेप में आना है, और यहाँ पर आप शेक इनेबल कर लीजिए। ये शेक इनेबल आपको फिल्म बैक के अंदर मिलेगा। यहाँ पर आप शेक को इनेबल कर लीजिए, और यहाँ पर जैसे ही आप शेक को इनेबल करते हैं, शेक इनेबल के बाद यहाँ पर आप शेक ऑप्शन देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम जैसे ही शेक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दो वैल्यूज दिख रहे हैं, जिसमें एक वैल्यू हॉरिजेंटल और दूसरा वैल्यू वर्टिकल शेक को शो करता है। नाउ हम हॉरिजेंटल शेक पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन में हमने करना क्या है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स में ये जो टेक्स्ट है, इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर उसके बाद हमने करना है एक इक्वल टू, और इक्वल टू डालने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है नॉइज, और उसके बाद हमने एक ब्रैकेट डालना है, और उसके बाद हमने लिखना है फ्रेम, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टार या जिसको हम इनटू का साइन भी कहते हैं कोडिंग में, उसे लगाना है। और उसके बाद हम दो चीजों को ध्यान रखेंगे कि फ्रेम के बाद जो हम स्टार लगाते हैं वहां पर एक फ्रीक्वेंसी आएगी, और फिर हम इसको क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट को, और एक और स्टार लगाते हैं, और उसके बाद हम अपना एम्पलीट्यूड यानी कितना शेक होगा हमारा जो कैमरा है, कितना अमाउंट ऑफ शेक होगा उसे लिखते हैं, और एक सेमी कोलन से इसे बंद कर देते हैं। सो अब लेट सपोज ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं, और जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पर हम इसे 2 कर लेते हैं। हालांकि ये वैल्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पर इन वैल्यूज को डाल रहा हूँ। और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि शेक का जो हॉरिजेंटल वाला जो हमारा बॉक्स था वो पर्पल कलर का हो गया है। अब इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो ये किस तरह से शेक कर रहा है। अभी इस वैल्यू को हम एडिट करते हैं और यहाँ पर थोड़ी कम वैल्यू करते हैं। लेट सपोज सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को 0.2 कर लेते हैं लेट सपोज, और यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे 0.2 कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बहुत ज्यादा तेज मूव कर रहा था, यानी जो इसको फ्रीक्वेंसी थी, नंबर ऑफ लूप्स पर सेकंड था या नंबर ऑफ लूप्स पर फ्रेम था, उसको हमने कम कर लिया है। इसकी वजह से जो अभी आपका ऑब्जेक्ट है ये पहले से स्लो मूव कर रहा है। नाउ हम फिर इसे एडिट करते हैं, और अब इस एम्पलीट्यूड को हम मे बी 0.3 कर लेते हैं, और फिर एडिट पर हम क्लिक कर लेते हैं। और अब अगर आप देखें तो ये शेक तो कर रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा जो कि पहले था उतना नहीं कर रहा। अब हम इसको फिर से एडिट करते हैं, और मोस्टली हम इसको कम रखते हैं, तो यानी इसको 0.03 कर लेते हैं और एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। नाउ अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी किस तरह से आ रही है आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर हम फिर से एडिट करते हैं, इसको 0.2 की जगह पर
0.05 कर लेते हैं मेबी, और एडिट पे फिर वापस से हम क्लिक कर लेते हैं। नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल में एक हल्का सा मूवमेंट है, जो शेक शो कर रहा है, वो आ रहा है। बिल्कुल सिमिलर मैनर में हमने इसके दूसरे यानी वर्टिकल वाले ऑप्शन में जाना है और क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन पर क्लिक करना है, और हमने वापस से इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स वाले ऑप्शन को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन पर पेस्ट कर लेना है, और उसके बाद इक्वल टू नॉइस ब्रैकेट क्लोज फ्रेम फिर स्टार और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जिसको हम मे बी 0.05 रखते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं और फिर एक स्टार और अब इसका एम्पलीट्यूड में भी हम इसको 0.02 या 3 रख लेते हैं और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वर्टिकल वाला बॉक्स था उस पर भी एक पर्पल कलर का एक्सप्रेशन आ गया है। हम इसे क्लोज कर लेते हैं और नाउ हम जब इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अब अगर मैं इसको बढ़ाता भी हूँ या अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक भी ले जाता हूँ, सो थ्रू आउट हमारे जो कैमरा का मूवमेंट है ये किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यानी हम इसको 0.05 की जगह पर हम इसे 0.1 कर सकते हैं। एडिट पे हमने क्लिक कर लिया और हमने यहाँ पर भी एडिट किया और यहाँ पर भी हम इसे 0.2 कर सकते हैं और एडिट पे क्लिक हम कर सकते हैं। नाउ अगर आप देखिए आप यहाँ पर एक हल्का सा मे बी हम इसे 0.1 ही रखते हैं फ्रीक्वेंसी को और एडिट पर क्लिक कर लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो रियलिस्टिक कैमरा मूवमेंट का जो एक विगल या शेक इफेक्ट है वो आप व्यू पोर्ट पर देख सकते हैं। अब अगर आप इसको 50 की जगह पर 200 भी करते हैं तो भी आपको थ्रू आउट आपके जो व्यू पोर्ट में ये मूवमेंट है ये दिखता रहेगा। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा और बहुत ही यूनिक एंड इंफॉर्मेटिव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।